Hey guys, I, Amrita Rawal, welcome you all on the Gravity Circle Biology channel. Dear students, we were already studying in the last class Reproduction in Organisms chapter, जहां पर हम लोग इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे. आज ये चैप्टर उसके आगे कंटिन्यू होगा एंड दिस विल बी द लास्ट क्लास ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर. ओके, इसके बाद हम लोग क्लास 12 बॉटनी पोर्शन का नया चैप्टर उठाएंगे. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं. तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग देख रहे थे इवेंट क्या क्या हो सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. इसमें तीन इवेंट मैंने आप लोग को बताए थे, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, इन तीन चीज़ों को मिला के हम लोग इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. जहाँ पर हम लोग गैमेटोजेनेसिस ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि गैमेट्स बनते हैं उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस. गैमेट हमेशा ही एक हैप्लॉइड सेल होगा, ये वाला पॉइंट भी हमें याद रखना है. तो गैमेट हमेशा ही हैप्लॉइड क्यों होगा, ताकि हम बोलेंगे कि जो प्लॉइडी लेवल इन जाइगोट है वो पेरेंट के बराबर मेंटेन रहे. ठीक है, तो इतना हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे. आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप की हो सकती है. ठीक है, तो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स की जब भी बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास में कुछ एक टर्म्स ऐसी आती हैं, यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, मोनोइशियस, डायोशियस. ये कुछ एक वर्ड्स हम लोग सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इनके क्या मीनिंग होता है एक एक करके सारे समझा देती हूँ. ठीक है, तो हम पहले प्लांट के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, प्लांट के प्रोस्पेक्टिव से. ठीक है, तो अब यहाँ डायग्राम देखो सब लोग, फर्स्ट वाला. अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसके हर एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रेजेंस है, अगर हर एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस है, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स. क्यों? क्योंकि उनके पास में दोनों ही सेक्सुअल ऑर्गन्स कंसिस्टिंग फ्लावर्स होते हैं. ठीक है, तो ऐसे हो जाएंगे हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स. कुछ एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग बोलेंगे कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं सेम प्लांट पर तो मौजूद होते हैं पर सेम फ्लावर में नहीं. ठीक है, सेम प्लांट पर तो मौजूद होते हैं पर सेम फ्लावर में नहीं, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोल देते हैं मोनोइशियस प्लांट, मोनोइशियस. ठीक है, और अगर ऐसा हो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं प्लांट के वो एक अलग प्लांट पे हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्लांट के अलग प्लांट पे हो, मतलब कि पौधे ही सेपरेट हो जाएं, तो हम उनको बोल देंगे डायोशियस प्लांट. जहाँ पर एक प्लांट पे सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो सकते हैं और दूसरे प्लांट पर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो सकते हैं. ठीक है, तो हमें ये वाला पॉइंट शायद सभी को समझ आ गया है. ठीक है, अच्छा अब देख लो यहाँ पर यही पॉइंट लिखे थ्योरीज में मैंने, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट ऐसे होते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, मतलब कि स्टेमन इन केस ऑफ मेल, कार्पल इन केस ऑफ फीमेल, सेम फ्लावर में होते हैं. ऐसे प्लांट्स को हम लोग हर्माफ्रोडाइट या बायसेक्सुअल बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो गया स्वीट पोटैटो इस वाले का. ओके, अगला देख लेते हैं हम लोग. यहाँ पर सेकंड में डायोशियस लिखा हुआ है. इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स मेल फ्लावर मतलब कि स्टेमिनेट फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स मतलब कि पिस्टिलेट फ्लावर्स अलग अलग पौधे पे होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं डायोशियस. जैसे कि डेट पाम, जैसे कि हो जाएगा डेट पाम. ठीक है, खजूर का पौधा. ओके, पपाया एक्सेट्रा ऐसे. अच्छा, मोनोइशियस प्लांट के एग्जांपल नहीं लिखा है इसके अंदर, हम लिख देते हैं यहाँ पे कुकुरबिटा, कारा, ये हो जाता है इसमें कुकुरबिटा. ठीक है, कारा, ये इसके एग्जांपल हो जाते हैं जहां पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सेम प्लांट पे तो मौजूद है पर सेम फ्लावर में नहीं. ठीक है, तो ये सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स हुआ. सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स में हम अगर एनिमल्स की बात करें तो हमें ये देखना है कि कुछ एक लोअर एनिमल्स के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि अर्थवॉर्म के पास में टेस्टिस भी होती है और ओवरी भी होती है सेम बॉडी में, तब हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे बायसेक्सुअल. इसी को हम लोग बोल देंगे हर्माफ्रोडाइट. ठीक है, अगर मैंने लीच बोला होता तो भी यही हो जाता, हर्माफ्रोडाइट या बायसेक्सुअल. ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोला कि मेल अलग है
एंड फीमेल अलग है, दोनों सेपरेट हैं, दोनों सेपरेट बॉडी में हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग हैं, अलग अलग बॉडीज में हैं, जैसे कि मेल कॉकरोच होता है, फीमेल कॉकरोच होती है, ठीक है, मेल ह्यूमन है, फीमेल ह्यूमन है, ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, ठीक है, इन्हीं को हम लोग बोलेंगे डायोशियस, डायोशियस, और हर्माफ्रोडाइट को हम लोग बोलेंगे मोनोशियस, मोनोशियस, ठीक है। तो एनिमल के रिस्पेक्ट में, एनिमल के रिस्पेक्ट में बायोसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और मोनोशियस वर्ड्स को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करा जा सकता है, ठीक है। प्लांट के केस में ऐसा हम लोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमने देखा था बायोसेक्सुअल का मतलब सेम फ्लावर में होने चाहिए और मोनोशियस का मतलब सेम प्लांट पे हो सकते हैं। इस एनिमल वाले कैटेगरी में ऐसा कोई केस नहीं बनता, इसलिए बायोसेक्सुअल ही हर्माफ्रोडाइट है, वही मोनोशियस है अगर ये एनिमल है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे एग्जाम्पल लिजर्ड, कॉकरोच, ह्यूमन, बर्ड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है, ये हुआ, समझ में आ गया। इसमें एनसीईआरटी के डायग्राम्स जरूर देख लेना प्लीज सभी लोग। देखो यहाँ पर इन्होंने दिया है ऑर्गेनिज्म अर्थवॉर्म, सबसे पहले अर्थवॉर्म की बॉडी दी हुई है ये वाली। इसको जब इन्होंने सेक्शन डाइसेक्ट करके देखा तब हमें ये मालूम पड़ा कि इसके पास में टेस्टिस भी प्रेजेंट है और ओवरी भी प्रेजेंट है सेम बॉडी में, तो ऑटोमेटिकली ये बायसेक्सुअल हो गया, ठीक है। वहीं पर बात करी कॉकरोच की, तो कॉकरोच में मेल कॉकरोच के पास टेस्टिस होता है और फीमेल कॉकरोच होगी तो ओवरी होगी, मतलब ये अलग अलग हैं, इसमें डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। ये था एनिमल के अंदर सेक्सुअलिटी। प्लांट के अंदर देख लेते हैं हम लोग, तो प्लांट के अंदर पहला वाला जो केस दिया हुआ है नंबर सी यहाँ पर, ये दिया है कारा प्लांट, ठीक है। तो कारा प्लांट में जैसे कि मैंने बताया मोनोशियस बोलते हैं, सेम पौधे के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स प्रेजेंट होंगे, सेम फ्लावर में नहीं, ठीक है। तो क्या नहीं बोलना है इसको, इसको हम लोगों को हर्माफ्रोडाइट या बायसेक्सुअल नहीं बोलना है, पर क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, मोनोशियस, ठीक है। तो यहाँ देखो फीमेल सेक्स ऑर्गन दिख रहा है ओगोनिया और एंथ्रिडियम दिख रहा है मेल सेक्स ऑर्गन, दोनों प्रेजेंट है सेम पौधे पे पर दोनों सेम फ्लावर में नहीं है, एकदम ऑपोजिट केस दिखते हैं। दोनों सेम फ्लावर में किस में दिख रहे हैं, ये वाले केस में, ठीक है। तो यहाँ देखो स्टेमन नजर आ रहा है आप लोगों को, इसी फ्लावर में कार्पल भी प्रेजेंट है, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया स्वीट पोटैटो के अंदर बायसेक्सुअल प्लांट या हर्माफ्रोडाइट, क्योंकि इसमें सेम फ्लावर में दोनों ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल का मतलब हो जाएगा कि दोनों ही अलग अलग पौधे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है हमारे सामने मर्चांटिया, यहाँ पर फीमेल थैलस अलग है, मेल थैलस अलग है, प्लांट ही अलग अलग है। इज दिस वेरी क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो ये सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ा है मैंने आप लोगों को, ओके। डायग्राम्स भी ध्यान रखना, एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लांट्स के नाम याद रखना। ये मोनो इन्होंने मोनोशियस वाले में कारा एग्जाम्पल दिया है, इन्होंने जो हमारा डायोशियस है इसके अंदर मर्चांटी एग्जाम्पल दिया हुआ है, और इन्होंने बायोसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट के अंदर स्वीट पोटैटो का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। अब आती बात सेल डिविजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये क्या सीन है दिखते हैं। तब अब समझना, मैं तुम लोगों को एक पॉइंट बताती हूँ। एक सपोज मान लो तुम लोग गैमेट मदर सेल है, गैमेट मदर सेल वो सेल होगा जिसके पास में 2n प्रेजेंट है, मतलब कि डिप्लॉइड है ये, प्लॉइडी लेवल वाइज, ठीक है। जब ये डिवाइड करता है तब ये दो इक्वल क्रोमोसोम्स वाले गैमेट्स बनाता है, n और n, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। तो हम हमेशा ये बोल सकते हैं क्या कि जो गैमेट मदर सेल है, गैमेट मदर सेल है जिसको हम लोग मियोसाइट भी बोलते हैं, मियोसाइट, मियोसाइट, ठीक है, इसके अंदर जो क्रोमोसोमल लेवल होगा उसका हमेशा हाफ देखने को मिलेगा हमें गैमेट के अंदर, 1/2, जैसे कि 2n था तो 2n/2 मतलब कि n हो गया, ठीक है। तो यहाँ ये पॉइंट, एक पॉइंट है समझने के लिए कि हमेशा ही गैमेट मदर सेल का रिडक्शन डिविजन होगा, मियोसिस वन होगा, और वो गैमेट्स बनाएंगे जो कि ऑलमोस्ट हाफ, मतलब ऑलमोस्ट हाफ नहीं इनफैक्ट हाफ ही हैं अपने गैमेट मदर सेल से, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेल को जिसने कि गैमेट को राइज दिया है हम लोग बोलते हैं मियोसाइट, और मियोसाइट होता है डिप्लॉइड, जिसको राइज दिया है उसको बोलते हैं गैमेट, और गैमेट होता है हमेशा हैप्लॉइड, ठीक है। तो सेल डिविजन कैसा हो जाएगा, मियोटिक डिविजन, मियोसिस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिफरेंट है,
कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस का इन्वॉल्वमेंट होता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा था। ठीक है, एनसीईआरटी एक पूरी टेबल देती है हमारे सामने, वो टेबल जो है उसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के मियोसाइट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं ये दिए हुए हैं, और वहीं उनके गैमेट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं ये दिए हुए हैं। सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ह्यूमन बींग का याद रख लेना, ठीक है, फ्रूट फ्लाई का याद रख लेना, आता है क्वेश्चन इसीलिए, ऑफियोग्लॉसम का याद रख लेना, फर्न है ये एक, ठीक है, और डॉग का आता है, कैट का आता है, इतने एग्जांपल्स तो याद रखने हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग के अंदर देख लो 46 अगर क्रोमोसोम नंबर मियोसाइट में है तो जस्ट हाफ कितना हो जाएगा, 23, ये हो जाएगा गैमेट के अंदर। लाइकवाइज अगर हम लोग यहाँ पर डॉग का देखते हैं एग्जाम्पल, तो डॉग के एग्जाम्पल में हमें समझ में आता है कि अगर उन्होंने क्रोमोसोम नंबर मियोसाइट में दिया हुआ है 78, तो क्रोमोसोम नंबर गैमेट में कितना हो जाएगा, 78 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम 39। ठीक है, तो ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं, और ये आपका एक असाइनमेंट है आज का, जिसमें आपको एनसीईआरटी के अंदर जितने एग्जाम्पल्स एटलीस्ट मैंने याद करने के लिए बताए हैं उतने एग्जाम्पल्स तो आप लोगों को गैमेट नंबर और मियोसाइट दोनों ही याद होने चाहिए। ओके, तो दिस विल बी डेफिनेटली एक रटने वाली चीज़, पर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाय सम चांस अगर मल्टी कॉन्सेप्ट वाला कोई क्वेश्चन आ गया और उन्होंने एक पॉइंट इसका बना दिया वहाँ पर, तो आप लोगों को अगर याद नहीं होगा तो वो क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे आता है नेक्स्ट क्या। तो मैंने कहा कि गैमेट बनते कैसे हैं मियोसिस से, ये तो हमें समझ में आ गया है, मियोसाइट का रिडक्शन डिविजन हो रहा है और गैमेट बन रहे हैं, ये भी हमें समझ में आ गया है, पर गैमेट के बनने के बाद अब उनका फेट क्या होगा, अब उनका भाग्य क्या होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि गैमेट का अब फाइनली क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, गैमेट का ट्रांसफ़र होगा। गैमेट के ट्रांसफ़र के जो मोड हो सकते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में वेरिएबल होंगे। कुछ एक ऑर्गेनिजम्स दोनों ही गैमेट मोटाइल बनाते हैं, जैसे कि मेल गैमेट भी मोटाइल है और फीमेल गैमेट भी मोटाइल है, और कुछ एक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल गैमेट मोटाइल बनाते हैं, फीमेल गैमेट इमोटाइल होता है। ठीक है, तो अधिकतर ऑर्गेनिजम्स सेकेंड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जहाँ पर सिर्फ मेल गैमेट मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमेट्स इमोटाइल होते हैं। ठीक है, और पहले वाली कैटेगरी के अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो होते हैं एल्गे एंड फंजाई। एल्गे और फंजाई जो हैं वो ऐसे गैमेट बनाते हैं जिसमें कि दोनों ही, मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही मोटाइल होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट्स हमें समझ में आ गए। अब गैमेट्स को बेसिकली ट्रांसफ़र करना, ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्यों है, क्योंकि मेन एम है फर्टिलाइज होना दोनों ही गैमेट का, ताकि जायगोट बन पाए। ठीक है, तब जब गैमेट बन गए थे तो गैमेट के ट्रांसफ़र के लिए ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि गैमेट्स क्लोज कॉन्टैक्ट में आ पाएँ एक दूसरे के, ताकि वो फ्यूज़ हो सकें और जायगोट बन सकें। ठीक है, तो क्लोज कॉन्टैक्ट में लेके आने की पॉसिबिलिटी जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग हो सकती है, जैसे कि काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं इंक्लूडिंग मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स, उनके पास में एक प्रॉपर कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा, कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा, जैसे कि मेल के पास में पीनिस है, टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ मेल गैमेट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनके पास में कोई स्पेशलाइज डिवाइस नहीं होती। ठीक है, तब फिर वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज अडाप्ट करते हैं, जैसे कि वेरी नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक, यहाँ देखो, इसमें फिशेस जब बेसिकली गैमेट पोर कर रही होती हैं वाटर में, तो फीमेल गैमेट के गैमेट पोर करने के बाद में मेल गैमेट उसके ऊपर पोर किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अश्योर कर रहे हैं ये लोग कि गैमेट्स जो हैं वो क्लोज कॉन्टैक्ट में आ सकें एक दूसरे के। ओके, अब हम देखते हैं एल्गे, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन तीनों के अंदर वाटर एक मीडियम की तरह एक्ट करेगा गैमेट को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, अब मुझे बताओ एकदम थॉट प्रोसेस से सोच के, अगर गैमेट्स के ट्रांसफ़र का मीडियम वाटर है, तो सोचो कि वाटर के अंदर गैमेट पोर कर दिए और मान लो कि वो गैमेट का नंबर सिर्फ 2 या 4 होता, तो क्या चांसेस हैं कि वो गैमेट जो हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास पहुंच जाएं, ट्रैक्ट के पास पहुंच जाएं, फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, तो चांसेस बहुत मिनिमम है।
इसीलिए ये दो चार वाले कॉन्सेप्ट बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। मेल गैमेट्स ढेर सारे बनाए जाएंगे, दे विल बी एबंडेंट इन नंबर, ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो सकें। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे गैमेट्स जो हैं वो पहुंच ही नहीं पाएंगे फीमेल गैमेट तक, इस लॉस को बचाने के लिए मेल गैमेट सेवरल थाउजेंड टाइम्स बनाए जाएंगे फीमेल गैमेट के कंपैरिजन में। मतलब कि फीमेल गैमेट मान लो तुम कि अगर सपोज 10 हैं, तो तुम मान लो कि कई हज़ार गुना ज़्यादा, ठीक है, कम से कम 20,000-30,000 के आसपास में ये वाले प्लांट्स जो हैं वो मेल गैमेट्स बनाएंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो ये वाला हमें समझ आ गया। ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है, फोटोग्राफिक इमेज, इसको देखो सब लोग। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है, जायगोट बन रहा है और न्यू इंडिविजुअल बन रहा है। गैमेट ट्रांसफर के बाद यही फर्टिलाइजेशन है, इसी को फेट बोलेंगे हम। ठीक है, अब काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके अंदर गैमेट्स को लेके जाने का मीडियम जो है वो वाटर नहीं है, और वो प्लांट्स जो है वो टेरिस्ट्रियल हैं। ठीक है, तब ऐसे कुछ केसेस में, या जिन प्लांट्स के भले वो एक्वेटिक ही क्यों ना हो, उनके फ्लावर्स बाहर की तरफ एयर में प्रोजेक्ट होते हैं, जस्ट इमेजिन वाटर हाइसेंथ, वाटर लिली। ठीक है, वाटर हाइसेंथ हो गया, या तो फिर वाटर लिली हो गया। ठीक है, तो इनके जो फ्लावर्स हैं वो तो वाटर के अंदर सबमर्ज नहीं है, वो बेसिकली एयर को फेस करते हुए हैं। ऐसे कुछ केसेस में पॉलिनेशन किस प्रकार से होगा, तो पॉलिनेशन का मोड होगा इंसेक्ट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मोड क्या हो जाएगा? इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन। ठीक है, तो इन फ्लावरिंग प्लांट्स पॉलन ग्रेन कैरी मेल गैमेट्स। ठीक है, व्हेन एंथर बर्स्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड, दीज पॉलन ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ एन एजेंट, जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया, इंसेक्ट हो गया, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे स्टिग्मा ऑफ पिस्टल तक। एग्जाम्पल देखो, इधर एक एंथर बर्स्ट होने के बाद बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए होंगे। ठीक है, अब देखो, जब यहाँ पर हमने देखा कि एक इंसेक्ट बैठा है यहाँ पर आके, हनी बी फ्लावर से नेक्टर ले रहा है, नेक्टर लेने के बाद वो किसी दूसरे फ्लावर पर जाके बैठा, दूसरे फ्लावर के पास जब वो जाके बैठा, तब पॉलन्स जो थे वो स्टिग्मा के ऊपर गिर गए। ठीक है, और अब ये पॉलन्स जो हैं बेसिकली ये पहुँचाए जाएंगे फीमेल ओवरी तक, ठीक है, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम अनदर एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर करना, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के कई मीडियम हो सकते हैं, वाटर, विंड, इंसेक्ट पॉलिनेशन एक्सेट्रा। जहाँ पर हमने जो एग्जांपल्स एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा देखा था, वहाँ पर वाटर एक मीडियम था, लेकिन अधिकतर टेरिस्ट्रियल प्लांट्स में एयर और इंसेक्ट्स जो होंगे वो पॉलिनेशन के मीडियम होंगे। ठीक है, देखो अब क्या होता है कि अगर मैंने कहा स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, तो व्हाट आर यू एबल टू सी हियर, क्या देखने को मिल रहा है? तो हमें देखने को मिल रहा है कि जब ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आ गए हैं तो एक लंबी सी पॉलन ट्यूब डेवलप कर रहे हैं कुछ एक, सभी की इतनी लंबी पॉलन ट्यूब नहीं डेवलप हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक नेचुरल सिलेक्शन होगा कि सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स की एबिलिटी नहीं है कि वो सब के सब जो हैं वो ओवरी तक पहुँच जाएँ, जिसकी होगी वही फर्टिलाइज करने की एबिलिटी रखेगा। तो पॉलन ट्यूब के थ्रू होते हुए मेल जर्म सेल्स जो हैं ये पहुँचेंगे ओवरी तक, और फिर फीमेल जर्म सेल के साथ में ये फ्यूज़ होंगे और फिर ये बनाएंगे जाइगोट। इज दिस क्लियर टू ऑल? तो इस तरीके से होता है गैमेट ट्रांसफ़र इन केस ऑफ सम एनिमल्स एंड सम केस ऑफ प्लांट्स। एंड देन व्हाट विल हैपन, जब गैमेट आ गए हैं क्लोज कॉन्टैक्ट में, देन इट विल बिकम द इवेंट विल नाउ बिकम फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक पॉइंट बताती हूँ। देखो, एक है फीमेल गैमेट, है ना, हम यहाँ लिख देते हैं एक है फीमेल गैमेट। ठीक है, एक है लेट सपोज मेल गैमेट, मैं एकदम रफ एग्जाम्पल बनाती हूँ, हम स्पर्मेटोज़ोआ लेते हैं। ओके, ये हो गया मेल गैमेट। जब इनका फ्यूजन हो रहा है तब बन क्या रहा है? तब बन रहा है जायगोट। ये भी हैप्लॉइड ही है ना, ध्यान रखना, ये भी हैप्लॉइड है। जब ये बन गया तब क्या बनेगा? एक डिप्लॉइड जायगोट। ठीक है, ये जो डिप्लॉइड जायगोट बना है ना, इसके प्रोसेस में बेसिकली क्या हुआ? सिन हुआ। सिन मतलब क्या होता है? फ्यूज हुआ। कौन फ्यूज हुआ? गैमीट। सिन गैमी हुआ ये। ठीक है, तो गैमेट का फ्यूजन हुआ, और फर्टिलाइजेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है सिनगैमी।
काफ़ी सारे ऑथर्स जो हैं वो सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन को सिनोनिमसली यूज़ करते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन अगर एक्चुअल पूछा जाए कि एक्चुअल वर्ड क्या है, तो हमें देखना है सिनगैमी होगा फ्यूजन ऑफ गैमेट, और फ्यूजन ऑफ गैमेट फर्टिलाइजेशन का एक पार्ट है। ठीक है, ये समझ आया? तो हमें ध्यान रखना है कि भले ही ये इंटरचेंजेबल इस्तेमाल किए जा सकें, लेकिन तब भी इनके अंदर एक माइनर डिफरेंस है, एक बारीक अंतर है। ओके, चलो अब देखते हैं हम लोग कि फर्टिलाइजेशन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि अगर मैंने कहा गैमीट जो हैं वो एक बाहरी एनवायरनमेंट में मिल रहे हैं, जैसे कि पानी में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों पोर कर दिए गए, ठीक है, और उनका फ्यूजन भी पानी में ही हो रहा है, बॉडी में नहीं, फीमेल की बॉडी में नहीं, तब इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोल देंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि एल्गे में होता है, फिशेज में होता है, एम्फीबियंस में होता है, फ्रॉग्स के अंदर, ठीक है, और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? मेजरली पानी में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जब भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, मैंने पहले ही बताया कि पानी में गैमेट रिलीज करना ये एक बहुत रिस्की चीज़ हो सकती है, कि अगर गैमेट नंबर में कम हो तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी कम हो जाएंगे, और इस हिसाब से दोनों को ही अपने कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज को ध्यान में रखते हुए मेल को भी और फीमेल को भी ढेर सारे गैमेट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड लार्ज इन नंबर बोथ बाय मेल एंड फीमेल इन द केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दोनों के दोनों किसी और मीडियम में जाके फ्यूज हो रहे हैं, वाटर मीडियम में फ्यूज हो रहे हैं, बॉडी में फ्यूज नहीं हो रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये क्या केस है? यहाँ पर ये केस है कि फर्टिलाइजेशन में ट्रैवलिंग गैमेट सिर्फ मेल गैमेट होगा, मतलब कि ओनली द मेल गैमेट विल ट्रैवल टू द फीमेल। ठीक है, तो मुझे बताओ जो ट्रैवलिंग गैमेट है क्या उसका नंबर ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं? तो हम बोलेंगे यहाँ पर मेल गैमेट्स जो हैं ये होंगे लार्ज इन नंबर, ठीक है, और फीमेल गैमेट्स हो जाएंगे दे विल बी फ्यू गैमेट्स। ठीक है, दे कैन बी वन ऑल्सो, कैन बी वन इन केस ऑफ ह्यूमन, ठीक है, इन सम केसेस। ठीक है, तो आप समझ लो कि फीमेल गैमेट्स के ज़्यादा होने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में ट्रैवलिंग गैमेट सिर्फ मेल गैमेट है इसीलिए। ठीक है, चलो तो देखते हैं अधिकतर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि फंजाई हो गया, हायर एनिमल्स हो गए, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट हो गए, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी के केस में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किसी और मीडियम में नहीं बल्कि बॉडी के अंदर होती है, इनसाइड द बॉडी होती है, और इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऐसे केस में इन दोज ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमेट क्योंकि नॉन मोटाइल, फीमेल गैमेट क्योंकि मूव नहीं करता, रिक्वायर्ड ही नहीं, क्योंकि वो ट्रैवलिंग गैमेट नहीं है, अधिकतर समय वो कैसा रहेगा? नॉन मोटाइल। ठीक है, और मेल गैमेट कैसा रहेगा? मोटाइल, क्योंकि यही ट्रैवलिंग गैमेट है। ठीक है, तो फीमेल गैमेट जो रहते हैं वो नॉन मोटाइल और मेल गैमेट मोटाइल होते हैं। नंबर ऑफ ओवा विल बी लेस एंड नंबर ऑफ मेल गैमेट्स विल बी मोर। इज दिस वेरी क्लियर टू ऑल? इतना सबको समझ आ गया? तो हमें समझ आया कि फर्टिलाइजेशन दो टाइप का हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब अगर हमने देखा कि मान लो कि सिनगैमी हो ही ना, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमको इसको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में रखना चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में नहीं, क्योंकि हमने देखा था कि अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता तो हम उसको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं। कुछ एक केसेस में ऐसा होता है, जैसे कि हनी बी का केस हो गया, ठीक है, या एफिड्स का केस हो गया, एफिड्स या रोटीफर्स हो गए, टर्की हो गए, लिजार्ड हो गए। टर्की एक प्रकार की बर्ड है, रोटीफर जो होता है ये एकदम अलग फाइलम होता है, जिसको हम लोग एनिमल किंगडम के जितने फाइलम्स पढ़ते हैं ना 11th क्लास लेवल पे, उसमें पढ़ते नहीं। ठीक है, रोटीफर हालांकि एस्केलमेंथीज के बाद और एनलिडा के पहले आता है, ठीक है, इसको लेकिन पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे मेंबर्स फीमेल मेंबर्स होते हैं, और ये एक बहुत छोटी सी क्लास, छोटी सी फाइला है, छोटा सा फाइलम है, बहुत ज़्यादा एनिमल्स नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। इन सब के अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी भी बनती है, वो क्या पॉसिबिलिटी है देखो, कि फीमेल जो है उसने एग तो ले कर दिया, ठीक है,
फीमेल ने एग तो ले कर दिया और एग जो है वो न्यू इंडिविजुअल में टर्न हो गया। तो अब मुझे बताओ, अगर एग की इतनी काबिलियत है कि वो पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे, ठीक है, तो हमें यहाँ पर मेल गैमेट्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। और अगर रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तब इस प्रकार के डेवलपमेंट को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो दिस इज द केस जहां पर अगर मैंने बात करी हनी बी के अंदर, तो हनी बी के अंदर जो मेल मेंबर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ड्रोन, मेल हनी बी, ठीक है, या ड्रोन, ये वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये पार्थेनोजेनेसिस से बने हुए हैं। ठीक है, चलो इतना आ गया। अब अगला लास्ट आता है हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, वो क्या क्या हो सकते हैं। देखो, तो फर्टिलाइजेशन हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट बनते कैसे हैं, गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और अगर नहीं हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अब मैंने बोला कि जब जायगोट बन गया है उसके बाद की क्या कहानी हो सकती है। ठीक है, जायगोट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, तो हम ये देखेंगे जो जायगोट बन गया है, द जायगोट इज़ अ वाइटल लिंक। ठीक है, इट इज़ अ वाइटल लिंक, ये कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज को अश्योर करता है। एक पेरेंटल जनरेशन जो है वो जायगोट बना रही है, जायगोट जो है वो नई जनरेशन बना रहा है, तो ये बीच में हो गया, ये एक वाइटल लिंक है जो कि कनेक्टिंग लिंक है एक तरीके से, कि इसके बिना आगे की जनरेशन ही नहीं आ सकती। अगर हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, हायर ऑर्गेनिजम्स की जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं उनकी, तो ठीक है, जायगोट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ये हम सबको मालूम है। अब जायगोट डेवलप कैसे होगा, देखो, तो उसके ऊपर डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में हम देखें तो जायगोट के डेवलपमेंट को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे कि लाइफ साइकिल कैसी है ऑर्गेनिज्म की, क्या वो मतलब डिपेंडेंट है, पैरासाइट टाइप का ऑर्गेनिज्म है, अगर ऐसा कुछ है तो अक्सर उसमें हम लोगों को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, एनवायरमेंट कहाँ पर है वो, क्या वो पानी के अंदर है या वो टेरेस्ट्रियल है, जायगोट के डेवलपमेंट की अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, जायगोट से बनता क्या है, वो बनता है एम्ब्रियो। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, देखो 2N अगर मैंने बोला कि एक जायगोट है ये, ठीक है, तो इस जायगोट के डिवीजन से बनेगा क्या, तो हम बोलेंगे कि इस जायगोट के डिवीजन से बनेंगे दो सेल्स, और उन दोनों सेल्स को हम लोग बोलेंगे टू सेल स्टेज पे आ गई है। ठीक है, ये डिवीजन हुआ इसका, ठीक है, जायगोट का। अब एक सेल से दो सेल हो जाने मात्र को हम लोग बोल सकते हैं, एक सेल से दो सेल हो जाने मात्र को हम लोग बोल सकते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो गया है, दिस इज गोइंग टू बी एन एम्ब्रियो एट द अर्लीस्ट स्टेज, टू सेल स्टेज, दिस इज अ जायगोट। जायगोट के बाद वो जब डिवाइड हुआ पहली बार को, तो उसने बनाया टू सेल स्टेज, ऐसे वो बनाएगा फोर सेल स्टेज, फिर बनाएगा एट सेल, ऐसे करते करते वो बड़ा होते जाएगा नंबर में। पर क्या सिर्फ नंबर में बड़ा होगा, ऐसे तो सारे ही सेल सेम रह जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो आगे की तरफ डिफ्रेंशिएट भी होगा। तो एक तो एस्पेक्ट आ गया हमारे सामने कि सेल डिवाइड हो रहे हैं, ये तो हो ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन सेल डिवाइड ही नहीं हो रहे हैं बल्कि सेल डिफ्रेंशिएट भी हो रहे हैं आगे जाते जाते। जैसे कि किन सेल्स को किडनी बनना है, किन सेल्स को तुम लोग मान लो कि नर्वस सिस्टम में तब्दील होना है, किन सेल्स को डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है ना, तो ये क्या हुआ, सेल डिफ्रेंशिएट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो सेल डिवाइड भी करेंगे और सेल डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, तभी हम बोलेंगे कि एम्ब्रियोजेनेसिस पॉसिबल है, इन दोनों के कारण से ही एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है एक सेल से। ठीक है, सेल डिवाइड करेंगे, सेल न्यूट्रिशन गेन करेंगे और सेल डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तीन स्टेप्स आएंगी, तीन प्रोसेस आएंगी एम्ब्रियो बनाने के लिए, एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए। ठीक है, समझ आ गया सभी को? तो हमारे सामने क्या क्या आ गया, जायगोट, एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे हुआ, एम्ब्रियोजेनेसिस कहाँ हुआ, अब ये वाला पॉइंट है कि कहाँ हुआ, बॉडी के अंदर हो रहा है कि बॉडी के बाहर हो रहा है। ठीक है, अब मैंने बोला कि जायगोट तो बन गया था, पर जायगोट जो है
उसको मदर की बॉडी ने अपने अंदर डेवलप नहीं कराया, इनफैक्ट बाहर कराया. कैसे पॉसिबल है? एग के अंदर डेवलप हुआ. ठीक है, तो डेवलप इनसाइड एग, मतलब कि इनसाइड एग एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ अगर, तो हम इस प्रकार के डेवलपमेंट को बॉडी के बाहर बोलेंगे ना. और अगर मैंने बोला जायगोट जो है वो इनसाइड यूट्रस डेवलप हो रहा है, मदर के यूट्रस में, तब मुझे बताओ ये केस क्या हो गया? ये केस अलग हो गया, ये केस हो गया इनसाइड द बॉडी, एग में नहीं हुआ. तो इस प्रकार से डिफरेंट हो सकता है एम्ब्रियोजेनेसिस, अलग अलग हो सकता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर. ठीक है, डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है जायगोट का, आगे का डेवलपमेंट उसके बेसिस पे. ठीक है, तो क्या हम लोग ऑर्गेनिजम्स को भी दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बोल दिया एग ले करने वाले ऑर्गेनिजम्स उनको हम बोल देंगे ओवीपेरस, और एग नहीं ले कर रहे हैं और बॉडी के अंदर ही बेबी को पूरा डेवलप कर रहे हैं, पहले एम्ब्रियोजेनेसिस करवा रहे हैं, फीटल डेवलपमेंट करा रहे हैं और फिर बेबी को बाहर तरफ भेज रहे हैं, तो वो हो जाएगा विवीपेरस. ठीक है, तो ओवीपेरस में एग्जांपल देखो, जैसे कि बर्ड जो रहती हैं वो एक एग ले कर देती हैं, जैसे कि एक छोटा सा चिक बाहर आता है. ठीक है, और विवीपेरस का मतलब हो जाएगा जैसे कि डायरेक्टली यंग वन ही बाहर आ रहा है, बॉडी के अंदर ही पूरा डेवलपमेंट हो गया. इस बात को समझ में आया सबको? तो ओवीपेरस में क्या क्या एग्जाम्पल्स आ सकते हैं? रेप्टाइल और बर्ड्स और इंसेक्ट भी आ सकते हैं. ठीक है, इंसेक्ट भी आ सकते हैं. ठीक है, ये समझ आ गया सबको? ये किसके अंदर डेवलप हो रहे होंगे? अब ऑफकोर्स ये बात है कि जायगोट को हवा में तो नहीं पटक दिया जाएगा, उसको न्यूट्रिशन वगैरह सब दिया जाएगा और उसको एक प्रॉपर प्रोटेक्टिव लेयर भी दी जाएगी. तो वो प्रोटेक्टिव लेयर क्या है? वो है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई एक कैल्केरियस लेयर जो कि एग को कवर करती है. ठीक है, इस प्रकार से होते हुए डेवलपमेंट में ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ओवीपेरस. और विवीपेरस क्या होता है? ये वो ऑर्गेनिज्म जो कि मदर की बॉडी में डेवलप हो रहे हैं, फीमेल पेरेंट की बॉडी में डेवलप हो रहे हैं और एक स्टेज अचीव करने के बाद बाहर आते हैं. कभी आपने अगर गाय का बेबी देखा हो, काउस बेबी, काउ का बेबी जो होता है वो बर्थ होने के तुरंत बाद खड़े होने की भी ट्राई करता है और रन भी कर लेता है. आ रही बात समझ में? तो उनके पास एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बाद ही वो बाहर आए बॉडी के. सिमिलरली ह्यूमन का जो बेबी है, अगर बेबी बाहर आता है तो बाहर आने के बाद में उसकी एबिलिटी होती है कि वो रो सकता है, वो स्माइल भी करता है सोते हुए. ठीक है, और हाथ पैर भी मार सकता है, रिएक्ट कर सकता है. तो एक क्या हुआ, एक प्रोसेस डेवलपमेंट की इतने स्टेज के बाद फिर उनको बाहर की तरफ भेजा गया. ठीक है, तो क्या मैं ये बोलूँ कि एग्स तो कोई खा भी सकता है लेकिन बॉडी के अंदर से किसी प्रोजेनी को निकालना इतना आसान नहीं है? समवेयर वी कैन से द विवीपेरिटी विल बी कंपेरेटिवली बेटर व्हेन कंपेयर टू ओवीपेरिटी. कब बात कर रहे हैं हम कि प्रोटेक्शन कितना प्रोवाइड हो रहा है? ठीक है, तो देखो, चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वन इज ग्रेटर इन दोस जिनके अंदर प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर मिलती है और प्रोटेक्शन मिलता है. ऐसा केस विवीपेरिटी होता है, ओवीपेरिटी नहीं. ठीक है, तो ये हमारे समझ आ गया पूरा का पूरा. अच्छा, ये एनिमल्स की बात हुई. अब प्लांट के अंदर जायगोट डेवलपमेंट कैसे होता है, तो अब देखते हैं. जैसे कि प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स रहते हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया. ठीक है, और जायगोट बन जाएगा ओव्यूल के अंदर. जैसे ही ओव्यूल के अंदर जायगोट बन जाएगा तब उसके सेपल्स फ्लावर के और पेटल्स और स्टेमन ये सब झड़ जाएंगे, ये सब फॉल हो जाएंगे. ठीक है, और पिस्टल अटैच रहेगा, पिस्टल अटैच रहेगा. ठीक है, और फिर जो जायगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा और जो ओव्यूल्स हैं वो सीड में डेवलप हो जाएंगे. ये पूरा का पूरा हमारे भी प्लांट जब हम पढ़ेंगे प्रॉपरली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, सब बहुत डिटेल में समझ में आएंगे हर एक चीज़ कि प्लेसेंटा कैसे बनता है. ठीक है, प्लांट्स के अंदर और सीड्स का डेवलपमेंट कैसे होता है. ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स हमें समझ आनी चाहिए. अच्छा ओके. हाँ, एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है यहाँ पर कि कैन यू नेम अ प्लांट, कोई ऐसे नाम बता सकते हो क्या प्लांट का जिसमें कि सेपल अटैच रहे, है ना? तो इसके अंदर तुम लोग दो तीन एग्जांपल्स याद रख लेना. एक तो ब्रिंजल याद रख लो, ब्रिंजल के अंदर अटैच रहता है. टमाटो भी याद रख सकते हो, दो एग्जाम्पल बहुत हैं. ब्रिंजल और टमाटो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर सेपल्स अटैच रहते हैं, झड़ते नहीं, है ना? जैसे कि मैंने कहा सेपल्स भी हट जाते हैं, पेटल्स भी हट जाते हैं, स्टेमन भी हट जाता है, सिर्फ पिस्टल रह जाता है, ओवरी ओव्यूल. ठीक है, लेकिन ऐसे कौन से ऐसे प्लांट है जिसमें सेपल्स भी अटैच रहते हैं? तो ब्रिंजल और टमाटो ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें सेपल्स अटैच रहते हैं. ठीक है, अब जो ओवरी है ना वो एक प्रोटेक्टिव सी लेयर बना देती है, थिक वॉल लेयर, उसको बोलते हैं पेरिकार्प.
और ये प्रोटेक्टिव लेयर सीड्स को प्रोटेक्ट करती है तब तक जब तक उनको एक नया एटमॉस्फेयर नहीं मिल जाता डेवलप करने के लिए। ध्यान दो, ये मटर फली दिख रही है तुम लोगों को, फर्स्ट फर्स्ट पी प्लांट। इस पी प्लांट के अंदर ये पेरिकार्प है जो कि छिलका है, और ये सीड्स हैं जो कि प्रोटेक्ट करके रखी हुई हैं इस पेरिकार्प में, जहाँ पर पी का मतलब है पेरिकार्प और एस का मतलब है सीड। ठीक है, देखो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है सीड्स प्रोटेक्टेड हैं पेरिकार्प के अंदर। ठीक है, सीड्स प्रोटेक्टेड हैं पेरिकार्प के अंदर, फिर से सीड्स प्रोटेक्टेड हैं पेरिकार्प के अंदर। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ओवरी खुद ही एक थिक वॉल बना लेगी और वही पेरिकार्प हो जाएगा जिसके अंदर वो सीड्स को प्रोटेक्ट करेगी तब तक जब तक उनको एक एनवायरमेंट टू ग्रो नहीं हो जाता, मिल नहीं जाता प्रॉपर। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स पूरा। एकदम बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से पढ़ाया है मैंने, हर एक चैप्टर के हर एक पॉइंट को कवर किया हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो ठीक से। ठीक है, वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इन वेरी मच डिटेल, राइट। सो लाइक आई वुड जस्ट थिंक कि आप सारे लोग जो हैं वो इस पर्टिकुलर चैप्टर को ठीक से पढ़ें और उसके बाद कमेंट्स में बताएं कि आपको चैप्टर में समझ में आ गया है कि नहीं सब कुछ। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे बॉटनी के अंदर, द वेरी नेक्स्ट वन इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ डू कमेंट दैट यू हैव लाइक द चैप्टर और नॉट, यू हैव गॉट द चैप्टर नॉट। ठीक है, या तुम्हें कोई डाउट हो तो पूछ लो, पर कमेंट्स में बताया जरूर करो कि तुम्हें समझ आया कि नहीं। चलो बाय एवरीवन, विल मीट इन द वेरी नेक्स्ट क्लास नाउ।